सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट एंड सॉल्टी मछली। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। डेढ़ सौ ग्राम मैदा, नमक, दो चम्मच देसी घी, हींग, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, अजवाइन, सोडा, दानेदार शक्कर, लाइट ऑयल, साफ पानी। आइए सबसे पहले हम मैदा को मार लेते हैं। एक बड़े बाउल में ये मैदा डाल लेते हैं। डेढ़ छोटी चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को थोड़ा हाथ से इस तरह रगड़ दीजिए ताकि महक अच्छी आ जाए इसमें। सोडा आधा चम्मच, छोटी चम्मच है। नमक स्वाद अनुसार लें। एक बड़ा चम्मच हमने ऑयल डाला हुआ है। ऑयल तब पता चलता है जब अच्छे से हम लगा लेते हैं मुंह, तब पता चलेगा। हम बताएंगे आपको कैसे अंदाज लगता है। देखिए हम रगड़ रहे हैं इस तरह। इसमें थोड़ा सा और लगेगा भी। थोड़ा थोड़ा करके हम हाथ पे डालते हैं इसीलिए। देखिए मैदे का रवा भी चेंज, जैसे कलर जो है चेंज हो जाता है। ये देखिए अच्छे से रगड़ दीजिए ताकि सारे मैदे में अच्छे से आयल लग जाए। पहचान ये अच्छा है। देखिए इस तरह हम दबाते हैं आसानी से। अगर लड्डू बन गया तो समझिए मोयन अच्छा लगा हुआ है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छा सा डो तैयार करेंगे। एकदम सख्त डो होना चाहिए। ये देखिए मछली का अच्छा सा आटा मा गया है। इसको 5 मिनट में हम ढक के रख देते हैं ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। 5 मिनट हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट मुलायम आटा तैयार हुआ है। अब आइए इसकी लोइयां काट लेते हैं। इस तरह गोल गोल करके इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसको हम बेलेंगे। अब आइए बेल के दिखाते हैं। इस तरह बहुत पतला हमें नहीं बेलना है। काट के दिखाते हैं। किनारा निकाल देंगे हम ताकि साइज ही बने।
हमने एक बोलिया कांटा को देखिए पुश कर दिया। रोल कर देते हैं, देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बनके तैयार हुई है। इसी तरह दूसरा रखेंगे, इसको भी इस तरह दबा देंगे कांटे को। इसी तरह सारी डिजाइन तैयार करने के बाद अच्छे से मोटी सब बन जाएगी, उसके बाद हम तल लेंगे। आई चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। देखिए तेल में अच्छे से गर्म हुआ है। गैस को हम थोड़ा मीडियम कर देते हैं, बहुत तेज आंच में नहीं तलना है इसको। उसको अच्छे से पलट पलट के गोल्डन होने तक हम तल लेंगे। देखिए बिल्कुल धीमी आंच में इसको हम तल रहे हैं, इसमें वक्त ज्यादा लगता है तलने में, मगर धीमी आंच में अगर आप सेकेंगे अच्छे से अंदर तक ये सीख भी जाएगा। बिल्कुल गोल्डन होने तक इसको हमें तलना है। देखिए बराबर इसको हिला रहे हैं इस तरह ताकि चारों तरफ से अच्छे से सीख जाए। देखिए इस तरह हिलाते जाते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं तल के। बिल्कुल ये सोडा पड़ता है इसलिए फूल भी अच्छे से जाता है, ये वो क्रिस्पी भी तैयार होता है। अब इसको निकाल लेते हैं। बाकी इसी तरह और जो है वो भी तल लेंगे, इसको भी निकाल लेते हैं। और जो पहले हमने तल के रखी हुई है उसको दोबारा हम तल लेते हैं। देखिए दोबारा तल लेते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये ठंडी हो गई है, देखिए छू के दिखाते हैं। उसको धीमी आंच में बिल्कुल गोल्डन होने तक हम तलेंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन सीख गई हुई है, अब इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह दूसरी मटरी भी हम अच्छे से तल लेंगे और तलने के बाद मसाले की तैयारी करेंगे। देखिए कढ़ाई से सारा तेल हटा दिया है, इसमें हम एक चम्मच देसी घी डाला हुआ है। घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। आंच एकदम धीम रखेंगे हम ताकि मसाले जले नहीं। आधा चम्मच हींग डाल देते हैं। एक चम्मच गरम मसाला और गैस हम बंद कर देंगे। अब ये दो चम्मच आमचूर पाउडर, दानेदार शक्कर है ये चार चम्मच हमने ली हुई है, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा छोटी चम्मच नमक। वापस में इस तरह मिला देंगे। इसी में मठरी डाल देते हैं। मठरी को अच्छे से मसालों में लपेट देंगे, उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे।
ये लीजिए, स्वीट एंड सॉल्टी मटली तैयार है। आप भी अपनी किचन में जरूर बनाइएगा और टेस्ट करिएगा। चाय के साथ, कॉफी के साथ, ये टमाटर सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद करते हैं। हमें जरूर बताइएगा कि मटली आपको कैसी लगी, ताकि हम आपसे मिले एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।